हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमें युद्ध नहीं बुद्धि चाहिए। नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो प्यारे साथियों, आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दिखा देता हूं। ये रहा डिस्क्लेमर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, बुद्ध भूमि पर बुद्ध का अपमान क्यों? बुद्ध हमारे पूर्वज थे, हैं और रहेंगे। चाहे जो भी जितना भी जोर लगा ले, जितना भी बुद्ध की इतिहास को मिटाने की कोशिश कर ले, लेकिन जो सत्य है कभी भी मिटा नहीं पाएंगे। बुद्ध की नाम देश विदेश सभी जगहों पे अमर है। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने हमें युद्ध लड़ने नहीं सिखाए थे। बुद्ध ने हमें मैत्री, भाईचारा, बंधुत्ता ये सिखाए थे। मनुष्य की जीवन में अहमियत क्या है ये सिखाई थी। कुछ लोग हैं जो तथागत बुद्ध को नफरत करते हैं। वे लोग हमेशा बुद्ध के बारे में दुष्प्रचार फैला के रखा है। बुद्ध को हमेशा नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। हाल ही में असम के तिताबर जिला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तथागत बुद्ध की प्रतिमा को डस्टबिन बना के रखा था। कुछ फ्लावर पॉट बना के रखा था। ये बुद्ध की अपमान नहीं तो क्या है? बुद्ध की इतना अपमान क्यों? जब अस्पताल की प्रशासन से पूछा गया कि ये आप लोगों ने क्यों किया, तो उन लोगों ने ये जवाब दिया कि ये तथागत बुद्ध की प्रतिमा है ही नहीं, जबकि साफ दिखाई दे रहा है ये आप लोगों को कि ये तथागत बुद्ध की ही प्रतिमा है। सफेद झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये तथागत बुद्ध की प्रतिमा नहीं है। इतना बुद्ध को अपमान क्यों? क्या उन लोगों को ये पता नहीं था कि ये तथागत बुद्ध की प्रतिमा है? अवश्य पता है। आज दुनिया में कौन सा देश ऐसा है कि तथागत बुद्ध को ना पहचानता हो? ये तथागत बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमें युद्ध नहीं बुद्धि चाहिए। हजारों साल पहले भगवान बुद्ध जब इस धरती पर थे तो आज जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी बुद्ध विश्व के करोड़ों करोड़ लोगों तक पहुंच गए, उनके अंतर्मन से जुड़ गए। मैंने अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म से जुड़े मंदिरों विहारों में ये साक्षात अनुभव किया है। मैंने देखा है कैंडी से क्योटो तक, हेनोई से हम्बनटोटा तक,
भगवान बुद्ध अपने विचारों के जरिए मठों, अवशेषों और संस्कृति के जरिए हर जगह है, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन जब बात आती है कि तथागत बुद्ध की अपमान हो रहे हैं, तथागत बुद्ध की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ हो रहे हैं, तो वहां पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप हो जाते हैं। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलते हैं। तथागत बुद्ध की प्रतिमा को कब्जा करके रखा है कौन? ब्राह्मण लोगों ने। उसको क्या क्या पहना के रखा है? साड़ी वाड़ी, सिंदूर बिंदूर, ये वो लगा के रखा है। जब पूछता है कि ये किसका है, तो कहता है कि ये उस देवी का है, उस देवता का है। लेकिन हकीकत में तथागत बुद्ध की प्रतिमा है। इन विषयों पर जब बात करने की समय आते हैं, तो हमारे जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं, जितने भी बड़े बड़े विज्ञान ज्ञानी लोग हैं, सब मौन रह जाते हैं। चलो, ये तो बुद्ध को जो करना है करने दो, बुद्ध की अपमान हो रहा है होने दो। लेकिन यही लोग जब विदेशों में जाते हैं, तो कहते हैं मैं बुद्ध भूमि से आया हूं, तो उस समय आप लोगों को शर्म नहीं आती है कि आप कहते हैं कि मैं बुद्ध की भूमि से आया हूं? जब भगवान बुद्ध की प्रतिमा को उस हाल में देखता है, तो आपको शर्म नहीं आती है? लेकिन जब आपको विदेश में अपना नाम चमकाना होता है, तो कहते हैं मैं बुद्ध की भूमि से आया हूं। ऐसे ऐसे लोग हैं, जब अपने देश में रहते हैं तो भगवान बुद्ध की नाम लेने के लिए शर्म आती है। भगवान बुद्ध की नाम कभी भी उसके मुख से नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध को पसंद करते ही नहीं है। जब विदेशों में जाते हैं, तो भगवान बुद्ध के नाम को लेना पड़ता है कि मैं देश बुद्ध भूमि से आया हूं, बुद्ध देश से आया हूं। क्यों? क्योंकि जितने भी विदेशी लोग हैं, भारत को बुद्ध भूमि से, बुद्ध भूमि के नाम से जानते हैं। हमारे यहां के लोग बुद्ध को हमेशा नीचा दिखाने में ही लगे रहते हैं। अभी थोड़ी पहले मैंने आप लोगों को एक तस्वीर दिखाया था कि बुद्ध को किस प्रकार से एकदम नीचे स्थल पर गिरा दिए, डस्टबिन बना के रखा है। यही लोग जब विदेशों में जाएंगे, तो बुद्ध की नाम जब तक नहीं लेंगे, तब तक सम्मान भी नहीं मिलेंगे। उद्योगपति जब विदेशों में जाते हैं, तो कहते हैं वी आर कमिंग फ्रॉम लैंड ऑफ बुद्धा। क्यों कहना पड़ा? क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि बुद्ध हमारे पूर्वज थे, ये बुद्ध देश है और बुद्ध देश ही रहेंगे। आप जितना भी जोर लगा लीजिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं दूसरे की बातों में आके बुद्ध को अपमान करने लगते हैं।
उसको ये ही पता नहीं है कि बुद्ध हमारे पूर्वज हैं थे। क्यों? क्योंकि उसको अपने हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है। गपोरी लोग आके गपोर दिया, सुन लिया, वही याद कर लिया और याद करते करते बुद्ध को नफरत करने में लगे हुए, बुद्ध को ही नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, अपने ही पूर्वज को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। एक बार ढंग से तो पल लेते तभी आपको पता होती कि बुद्ध कौन है, बुद्ध इस देश के लिए क्या है और बुद्ध के नाम पर लोग क्या क्या भ्रम फैला के रखा है। ना आपने खुद पढ़ा, ना जानने की कोशिश की, कोई आके गपोर दिया और उसी को आपने सच मान लिया। क्यों? क्यों? क्योंकि जो गपोरी है उसको ये पता है कि आपको ना पढ़ना है, ना आपको कुछ ठीक है समझना है, ना आपको कुछ जानकारी है। जो मैं गपोर दूंगा वही आप मान लोगे। आज की तारीख में भगवान बुद्ध के बारे में इतना दुष्ट प्रचार करके रखा है, इतना गलत फैला के रखा है। अगर आप हिस्ट्री, भगवान बुद्ध की हिस्ट्री को या अपने देश की हिस्ट्री को जब तक ठीक से नहीं पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं। तो मेरा कहना है कि पहले कुछ जानने की कोशिश करो, फिर भी आपको लगता है कि ये हमारे पूर्वज नहीं है तो आप उसको ना माने, लेकिन अपमान तो मत करिए। ना हमने कभी आपकी देवी देवता का अपमान किया, जो सत्य है हमने उसी को कहा। आप हमेशा बुद्ध से पहले अपने आप को स्थापित करने में लगे हुए हैं, लेकिन स्थापित कर नहीं पाती हो। क्यों? क्योंकि उस समय आपका मौजूद है ही नहीं, तो आप कहां से अपने आप को स्थापित कर पाओगे। बुद्ध ही पहले थे, बुद्ध है और रहेगा। कहते हैं ना, जो सूर्य चंद्रमा और सत्य है वो कभी छिपते नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो बुद्ध है, आप उसको जितना भी मिटाने की कोशिश कर लीजिए लेकिन मिटा नहीं पाओगे। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि वो हुआ था, ये हुआ था, हमारे मंदिर तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, हिंदुओं का ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। तो मैं ये पूछता हूं, सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे तो उसको किसने तोड़ा? वो कहां गायब हो गए? जो हिंसावादी है, जो बुद्ध को नफरत करते हैं, वही लोग ने तोड़े होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने हम लोगों की चीज को तोड़ा है। क्यों? क्योंकि आप हमसे नफरत करते हैं तो हमारे चीज को तोड़ के अपने उसमें शामिल करने की कोशिश कर रहे हो।
तथागत बुद्ध की बहुत सी प्रतिमाएं को तोड़कर अगर तोड़ नहीं सका तो उसको सारी सिंदूर बिंदूर पोत के देवती देवी देवता बना के रखा हुआ है। तो बुद्ध की ही देश में बुद्ध की ही अपमान, ये अपमान नहीं तो क्या है। महापुरुष थे तो उसको कहां से सिंदूर बिंदूर पोत दिया आप लोगों ने, क्यों पोत दिया? जो हमारी चीज है आप क्यों कब्जा करके रखा है, किसी ने कब्जा करके रखा है? अगर बुद्ध से इतना ही नफरत है तो बुद्ध को क्यों कब्जा करके रखा है, बुद्ध की स्थलों को क्यों कब्जा करके रखा है? ये होता है अपमान। इसलिए मैंने कहा था कि बुद्ध भूमि में बुद्ध का अपमान क्यों। कुछ तस्वीर दिया हुआ है, अगर आपको विश्वास नहीं तो देख लीजिए। किसी में हाथ तोड़ा हुआ है, किसी में पैर तोड़ा हुआ है, किसी में आधा सर नहीं है, किसी में सर नहीं है, तो किसी में सिंदूर बिंदूर पोत के रखा है, ऐसा क्यों? ये तो सब तथागत बुद्ध है, तो इसका अपमान क्यों? क्यों तोड़ा, किस लिए तोड़ा, तोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? अपमान नहीं तो ये क्या है? तो प्यारे साथियों, मेरी बहुजन भाइयों बहनों से मेरा अनुरोध है, जागो। अगर आज नहीं जगा तो कभी जग नहीं पाओगे। इसी प्रकार से हमारे मूल्यवान जितने भी चीजें हैं सब नष्ट कर दिया जाएगा। अगर आज आवाज नहीं उठाए तो इसी प्रकार से हमें अपमान करते रहेंगे, हम नहीं सहेंगे, किसी हाल पे हम नहीं सहेंगे। अगर अपमान किया तो हम भी उठ खड़े होंगे, हम भी किसी से कम नहीं, हम लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। तो प्यारे साथियों, आज तक जितने भी हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसको खत्म करेंगे। तो फिलहाल तो बस इतना तक, फिर नए वीडियो के साथ मुलाकात होंगे, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।